थे जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटर एवं मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए यानी कि इंटर का जो है डमी एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों की कहां से और कैसे जो है अपना इंटर का डमी एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना है, डमी एडमिट कार्ड क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि बिहार बोर्ड द्वारा फाइनल एडमिट कार्ड जारी करने से पहले एक बार डमी एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाता है ताकि किसी भी छात्र एवं छात्राओं को किसी भी प्रकार से उसमें त्रुटि पाई जाती है डमी एडमिट कार्ड में तो वे जो है अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से अपना सुधार करवा पाएंगे। जैसे आप लोग का सुधार होगा वैसे आप लोग का फाइनल एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पर जो है आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर जो है आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा डमी एडमिट कार्ड पर, क्योंकि फाइनल एडमिट कार्ड पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की डमी एडमिट कार्ड जो है कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या उसमें आप लोग सुधार करवा सकते हैं, चलिए मैं आप लोग को ये स्टेप बाय स्टेप जो है डाउनलोड करके मैं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपने फोन में कोई से ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है सरकारी सेंटर, जो आप लोग की इस प्रकार से लिखकर सर्च कर देना है। जैसे आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर सरकारी सेंटर आ जाएगा, इस पर आप लोगों की क्लिक कर देना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है और एडमिट कार्ड सेक्शन में आप लोग की आ जाना है। नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड सेक्शन, यहाँ पर बिहार बोर्ड डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड 2022 इस पर जो आप लोग की क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस जो है ओपन होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते सारा का सारा लिंक जो यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक जो यहाँ पर पढ़ लेना है यहाँ पर आप लोग 25/10/2021 तक जो है अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एवं आप लोग उसमें त्रुटि को सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग को क्या करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और अपना नोटिफिकेशन जो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा जो यहाँ पर बताया गया है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहने एवं दिनांक 25/10/2021 तक की अवधि में ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने कराने के संबंध में जो है आवश्यक सूचना जो यहां पर जारी किया गया है, यानी कि 25 तारीख तक जो आप लोग अपने डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं एवं सुधार करवा सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से अगर उसमें किसी भी प्रकार से त्रुटि पाई जाती है। तो अगर त्रुटि नहीं है तो आप लोग उसमें सिग्नेचर करके अपने प्रिंसिपल के पास जमा करा देंगे, आप लोग को ऑनलाइन देख लेना है। यहां पर देख सकते हैं यहां पर वेबसाइट जो जारी किया गया है इंटर यहां पर 22 यहां पर .biharboardonline.com पर जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और डाउनलोड करने के लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा एक लिंक डाउनलोड 12th डमी एडमिट कार्ड 2022 क्लिक हेयर पर आप लोगों की क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर समय लग रहा है ये वेबसाइट को ओपन होने में, क्योंकि जो क्रैश कर गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही धीमी गति से जो है ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट जो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। आप लोग इस वेबसाइट पर आकर आसानी से जो यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर server 1 एवं server 2 जो है दिया गया है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर server 1 के तहत जो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं server 1 एवं server 2 पर। जैसे यहाँ पर लिंक ओपन होगा और जैसे लिंक एक्टिवेट होगा डाउनलोड होना शुरू होगा, वैसे मैं आप लोग की एक वीडियो बनाकर डाउनलोड लाइव प्रूफ दिखाकर आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।